आगे आप समझ जाओ क्या ही बोलो। स्काई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत। एक बात तो है, बेहद खूबसूरत है दिल के। मैम कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ केडी सिंह जी। आप ऐसे, आप कैसे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पहले ही मेरा किसी ने छीन लिया है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या ही बोलूँ, रहने दो। उनमें काफ़ी आप लोग भी थे जिनके इसका सिस्टर। सॉरी अगर मैं कभी आपको कुछ गलत बोली होंगी तो। कोई बात नहीं प्रिया शर्मा, चलता है। गलत सभी बोल के जाते हैं, अपने कर्म का फल सबको मिलता है। गलत बोलने वालों की ज़ुबान हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका गलत कमेंट करके ये लोग अपने संस्कार खुद बताते हैं कि उनके माँ बाप ने क्या सिखाया है। ओके हाँ हेलो, नो वॉइस। अच्छा, लेट्स मोटिवेट दिस लवली पीपल। ओके, वही करती हूँ मैं अभी। ओके प्रियांशु, वही करती हूँ। फिर पता है क्या बोलते हैं, बहुत ज्ञान दे लिया और आगे का समझ जाओ क्या लिखते हैं। नहीं सुननी है तेरी ज्ञान। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, सुन लो, काम आएगा आगे के लाइफ में। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग बहुत ओल्ड है, जो कि आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। मैं काफ़ी ओल्ड ख्याल वाली इंसान हूँ और मेरा ख्याल से कोई मिलता भी नहीं है और मेरा जमता भी नहीं है हर किसी के साथ। बहुत रेयर लोगों के साथ जमता है, और जिससे जम जाता है मेरा, उससे है ना गॉड भी कभी सेपरेट नहीं कर सकता। और जिससे मिलता नहीं मेरा ख्याल, उससे कितना भी चुपका दो फिर भी मेरा कुछ हो नहीं। आई फॉलो योर फ्राइव। अच्छा थैंक यू डेविल। इसका क्या, घंटा का फेम खाकर मोटी घूम रही है, सांड सांड हो रही है। सांड इतना मत खाया कर, दूसरों का फेम खा लिया बात तो जो है। अपना नंबर तो दे प्लीज़, मेरे को तेरे से दिला दिया, आई लव यू। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं ना दूसरों की नहीं खाती हूँ, अपने पापा की खाती हूँ और अपने भी कमाई की खाती हूँ, ठीक है। और रही बात, मैं दो कौड़ी की जॉब वाली नहीं हूँ। और जॉब वाले वाले भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। आज तक तुमने सुना है कोई भी सक्सेसफुल इंसान आज की डेट में वो जॉब वाले हैं? ना, बिजनेस वाले ही है। वो छोटा हो या मोटा हो, कोई भी हो, बिजनेस बिजनेस होता है, जो कि आपके ओन होते हैं, आप जिसके ओनर होते हो, ठीक है। जबर नहीं पड़ो, रो रो जो बोलो। अरे नहीं, मैं ना सबकी नेगेटिविटी आज चेक करने वाली हूँ। मैं ना सबकी रिप्लाई देने वाली हूँ आज। चलो लिखो कितने नेगेटिव लिख सकते हो मेरे लिए, मैं देखती हूँ। चलो आज मैं सबका देखती हूँ। चलो क्या क्या लिख सकते हो? खाना खा लिया आपने? हाँ जी आशी, कैसे हो आप? Yeah, true, old people, old songs are just love. Yes, old songs में बहुत, अरे इतना meaningful होते हैं ना song सुनते ही। बस अभी कितने लोग बोलते हैं कि अपना old song सुनते नहीं, but हाँ अकेले में जब होते हैं वो old ही song सुनते हैं। ओके स्काई मैम, बहुत अच्छी voice है आपकी, thank you so much केडी जी। कितना कमाती यो? डिपेंड करता है बाबा, मेरा प्रॉफिट कितना बचता है। कभी कभी सबकी सैलरी देने के बाद बचता भी नहीं है, कभी कभी बचता भी है, तो वो डिपेंड करता है। छोड़ो उसके डिस्कस मैं नहीं करूँगी। कुछ दिन घूम लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे घूम ही रही हो बाबा,
घूम रही हूँ, मतलब मैं काफ़ी टाइम के बाद ही घूमने गई हूँ। बट ज़िंदगी है ना, ऐसा है कि इंसान को कितना भी आप समझने की कोशिश करो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके उनके समझ के हिसाब से हमें चलाना चाहते हैं। जब हम चलते नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे जजमेंट भी होती है, बहुत सारे चीज़। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता बाबा। मेरा बिजनेस छोटा नहीं है, मेरा टू गाला का स्टोर है। और छोटा मतलब हिसाब से मैं कोई अंबानी इतनी भी बड़ी बिजनेस वो मैंने अभी तक हुई नहीं हूँ, बट हो जाऊँगी कभी ना कभी। पर पता नहीं, तब तक शायद मेरी शादी भी हो जाए। मेरे बाप कॉल तो कर, यस ओके, ये स्काइप पे तो मेरे बाप को दिखा रही है, तभी तो सांड हो रही। तेरे से मैंने क्या, अपना नंबर दे दो तो समझ में नहीं आती क्या कितना मेरा भी प्रेम कहानी। भाई एक काम कर, तू लिखता कहाँ से है पहले उसका डिक्शनरी सही कर। ये लोग बहुत बेशरम है। अरे नहीं, आज मुझे ना सबकी बेशर्मी देखनी है। आज मुझे देखना है कि कितने लोगों के सोच कैसे कैसे होते हैं और कितने गंदे सोच पालते हैं। हाय अनम, कैसे हो? स्काई दी, बुरा बोलने वाले तो बहुत आ जाएंगे पर अच्छा बोलने वाले कोई 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 आएंगे, चेक कर लेना सिस्टर। बिल्कुल अमृता, थैंक यू। स्काई, दुबई कब जा रहे हो? वेरी सुन, बहुत जल्दी। अरे उधर मेरे मामा जी रहते हैं पापा, और 26 ईयर्स से। और हमारे सिंगापुर में भी मेरे दूसरे मामा रहते हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट फैमिली बाहर है। और मेरे भैया तो ऑलरेडी सेटल होने का सोच रहे हैं वहाँ, तो शायद हम पूरी फैमिली इंडिया से शिफ्ट हो जाए। दी प्लीज़ बकवास लोगों पर ध्यान मत दो। निशा राजपूत, हाँ जी बिल्कुल दी, आप वो देखो नो मेरा शेडो। ओके, गॉड सक्सेस करे आपको। थैंक यू सो मच केडी जी। काश मेरी शादी होती तो आप कितने खुश करो। अच्छा, हमारी दुआ है आप अंबानी बन जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू। नाइस आइस, थैंक यू सो मच। ओ, मेरा विंडो एक्चुअली शेडो के लिए ओपन रहता है, तो इसके वजह से मच्छर आ जाते हैं। ये रूम में है क्योंकि इसका बालकनी बहुत बड़ा है, इस वजह से ही। अच्छा मेरी प्यारी स्काई जी, हेलो चंद्रमानी। अच्छा काश मैं सौरभ के साथ। हाय स्काई, लव यू मंगेश। नहीं स्काई मैम, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच केडी जी, इग्नोर रॉन्ग कॉमेंट योर। ओके हाँ जी बिल्कुल, आपकी इंडियन वहाँ ड्राइवर का कुक है सबके सब। कहाँ पर सबके सब क्या है मुझे नहीं पता बाबा, कौन क्या है। बट हमारे घर पे ज़्यादातर सब लोग बिजनेस ही करते हैं। मेरे तीनों भाई एक जॉब करते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, और बाकी जॉब नहीं करते बाबा, बाकी बिजनेस ही करते हैं सब। और छोटे वाले तो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो छोटा है वो काफ़ी अभी। पल पल दिल के पास आपका फेवरेट सॉन्ग है? नहीं, मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी मैं रखी नहीं हूँ कोई, क्योंकि कुछ है ही नहीं। गड़ा हो गया है प्लीज। अच्छा वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो। अच्छा है, सही है, संस्कार आपका बहुत सही है, ऐसा कमेंट करो ठीक है, ऐसे ही कमेंट करने का। जल्दी शादी
मत करना, बहुत पुण्य सको ना। नहीं बाबा, अभी वैसे भी रिश्ता ना हो। शेडो को दिखाओ, आप शेडो को दिखाने बोल रहे हो, बट शेडो स्लीपिंग, आ नहीं रहा है। मैंने कोशिश किया उसको बुलाने की। मैं दुबई हूँ, सरेजा में। ओके, वेरी गुड, रिजन ट्राइट। मेरा शेडो इधर है। स्काई दी, आपका नेचर बहुत अच्छा है। लव यू सो मच दी। थैंक यू पायल, लव यू टू। स्काई जी, आप अंबानी बन जाओ, लेकिन लाइव आना मत छोड़ना। नहीं, कभी कभी आप लोगों का कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आती है। कैसे छोड़ दूँ? कभी कभी मैं खुद भी रिलैक्स होती हूँ, भले ही झगड़ा करूँ, लड़ाई करूँ, या गंदगी करूँ, या बकवास करूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना मुझे खुद को भी एक रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों से, क्योंकि कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है। आई लव किशोर कुमार सॉन्ग्स। ओके, किशोर कुमार के भी बहुत अच्छे। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज़ का भी बहुत अच्छा है, एकदम सुनने में एकदम ऐसा लगता है ना। बट स्काई का फेवरेट सॉन्ग वो ले द डॉग्स। ओ माय गॉड, ए नॉट दैट। कुछ भी यार। ओके, आप शादी कब करोगे स्काई मैम? ऐसे ही कब तक ओके करोगे? प्यार करता हूँ, होगा जब तक नहीं कि मुझे स्काई। अच्छा, कितने गंदे हो। अच्छा छोड़ो, जाने दो। आप लोग गंदे के साथ गंदा कमेंट मत करना। आज मेरे को ना ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन खुद ही रिपोर्ट पड़ेगा जब गालियाँ देंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने गंदे बोल सकते हैं गंदे लोग, और उनके सोच, उतने उनके माँ बाप का क्या, मतलब क्या सिखाया था औलाद को, वो देखना है। कभी कभी ओके, अच्छा सही बात है। दीदी मुझे लग छोड़ो, जाने दो। पंजाबी जो बोलो प्लीज। कोई सॉन्ग? अच्छा, अली खान ने कहा कोई सूफी सॉन्ग गाओ। अच्छा, सो क्लासी ब्रो। अच्छा, हेलो स्काई, हेलो जी, पंजाब ना मेरे। दो दिन से फॉलो कर रहे आ रहे मेरे भाई। क्या बोलते हो आप लोग भी? दो दिन से फॉलो कर रहे हैं जीएफ पंजाब। वेरी गुड, तरक्की कर रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। आप मुंबई में कहाँ रहते हो? ओके, आपके अंडरआर्म दिखाओ एक बार प्लीज। ओ माय गॉड, लव यू। अच्छा, आपको कभी लव हुआ है? आई थिंक ये जोक था कि मुझे कभी लव हुआ है ये पूछने। खुला ट्विस्ट कहाँ रहते हो? खुरला। ओ माय गॉड, डूड सीरियसली, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, इवन आई नेवर बीन देयर। माँ बाप की बात मत की करो मैडम, अपने इंस्टा पर इतना गंदगी मचा। मैंने भाई कोई गंदगी नहीं मचाया है, ठीक है? जो आपके दिमाग की सोच है वो सोच को बदलो, ठीक है? गंदगी अपने आप क्लियर हो जाएगा।
कि गंदगी आपकी सोच में है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और रही बात अगर मैं कुछ करूँ भी तो देट इज़ माई ओन चॉइस ना। तो इसमें तुम बोलने वाले मेरे कोई पिता नहीं हो, ना कि मेरे कोई दादा मतलब मेरे भैया वगैरह हो, ऐसा कोई है। तो ये इंस्टाग्राम जो है ये तुम्हारा नहीं है, राइट? ये हर इंसान का अपने हिसाब से यूज़ करने का। तो गंदगी मचाया नहीं मचाया, तुमने क्या जाना, और तुमने अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी क्रिएट किया, और तुम यहाँ पर आकर तुम मेरे को बोलने लगे कि गंदगी किन्होंने मचाया है, वो जाके क्लियर करो पहले, वो क्लियर करने का पहले। ओके, दुबई में गर्मी बहुत है, बुरा हाल है। अच्छा हाँ, दुबई में गर्मी बहुत है अभी, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं। इसका स्टारबक्स आओ जल्दी, ऑफ़र है कॉफ़ी पी। अच्छा, अरे स्टारबक्स हम ऑफ़र में कोई चीज़ लेते नहीं है क्योंकि डिस्काउंट वाली चीज़ में मिलावट होता है मेरे भाई, समझे? और रही बात हम इधर उधर की कुछ चीज़ें तो करते नहीं है ना, कि नशेड़ी गंजेड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टारबक्स के ही कॉफ़ी पी के जीते हैं, ठीक है? तो चिल मारो, ज़्यादा ये इधर उधर की बात ऐसे करो मत। ओके, आपकी एक बात हमें बहुत पसंद है, ओबीसी भी में आप मस्त रहती हो। हाँ जी, रहना चाहिए कभी कभी, हर समय बेवकूफ़ी भी। ओके, योर ओन चॉइस, बट आपने माँ बाप की इज्जत का तो सोच लेती। मेरे माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत है, सोचना क्या है, मैंने अपना इज्जत कहीं गवाया नहीं है ना कि बिकाया है। ओके, तो तुम मुझे यहाँ पे ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है? बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे सोच से परे। अभी बेवकूफ़ी गिरी हम यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बेवकूफ़ है। दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ भी बेवकूफ़ नहीं है, पता है? वो तो एड़ा बना के पेड़ा खा जाते, और हम तो छोड़ो जान दो, हम तो समझदार होके भी बेवकूफ़ बन के बैठे हैं। तुम्हें तुम क्या ही हमको ज्ञान दोगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको लव नहीं हुआ। हाँ बात तो सही है। ओके जी, थैंक्स, गुड नाइट। आपकी लाइव सुनते हैं, सोने वाले हैं, मंडे जल्दी उठना है। ओके जी, गुड नाइट। ओके, आपकी यूट्यूब पर लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी थी, वो संस्कार की बात कर रहा वो था वो। हाँ जी, संस्कार की बात तो कोई भी कर लेते, किसी का इज्जत गिराने। चर्चे उस देखो, चर्चे आम लोगों की तो होते नहीं है, चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनमें कोई बात होती है। तो हमें ऐसा लगता है, और आपको भी शायद जानना चाहिए ये बात, जो बात उनमें जिनमें बात होती है चर्चे उनकी ही होती है, वरना ऐसे गुण ज्ञान किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। लोग तो पैसे दे के कॉन्ट्रोवर्सी करते, और हमारा नाम इतने ख़ास है कि हर किसी के ज़ुबान में पड़े हुए हैं, और क्या ही बोले आपको। ठीक है, तो यूट्यूब में देखो, मज़े लो जाकर। नहीं बाबा, मुझे कर नहीं, उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसको मैं कितना वो बोल सकता है ना, मुझे उसको देखना है, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे आज ऐटा कितना मतलब कौन क्या बोल सकते हैं, मुझे आई वॉन्ट टू सी दैट मे बी। ओके, क्या दिखाओ, दे दे क्या लिखा है बाबा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ओके, अरे दे विल नॉट गो, डोंट वरी, वो नहीं जाएंगे जब तक मैं इधर हूँ। ओके, चलो ब्लॉक करती हूँ, चलो ठीक है। सच कड़वा होता है, अरे नहीं, सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सच जैसा सच हो तो। मुझे तो कड़वा ही नहीं लगा कुछ, क्योंकि उसमें तो कुछ सच्चाई था ही नहीं। अगर सच होता तो फिर तुम लोग पता है, मैं शायद 2-3 बार भी बोल चुकी हूँ ये चीज़, तुम लोग वो हो जो तुम लोगों के दिमाग के साथ खेल के ना तुम लोगों को किसी भी रास्ते मोड़ सकते हैं। ऐसे तो वोट जीता जाता है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही जीता जाता है।
तो तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से तुम सोचो जो सोचना है। अभी तुम्हारी थिंकिंग का ठेका हमने थोड़ी लिया है कि तुम हमारे लिए अच्छे सोचो। दुनिया में कोई देखो पांचों उंगली भी सेम नहीं है ना? तो फिर सारे हमको पसंद करे जरूरी थोड़ी है। हमको पसंद करने वाले पसंद करते हैं। तुम्हारे एक दो के ना पसंद करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना पसंद करने वाले भी होना चाहिए। ना पसंद करने वाले ही तो हमको आगे बढ़ाते, पता होना चाहिए आपको ये चीज़। आप हमें नापसंद करते हो बट हम आपके दिमाग में पलते हैं। तो आप इतने हमारे बारे में सोचते हो जितने कि आप अपने घर वालों को भी नहीं सोचते हो। सोचो, है ना? आप हमें इतना सोचते हो कि सुबह से शाम तक हमको क्या गाली देना है आपको वो सारा सारा जो अपना क्या बोलते सारा दिन सारा रात सोचते हो कि इस गाय को क्या बोलना है, कौन सी गंदी बातें बोलनी है। पता है मुझे जब फर्क पड़ता है तब फर्क पड़ता है, मुझे जब फर्क नहीं पड़ता तो घंटा भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक पॉलिटिशियन को भी ना बहुत गालियां पड़ती है, तो वो घर घर जाके चाटा नहीं देती है, राइट? देती नहीं देती है, नहीं देते हैं। तो मैं भी ऐसे फील करने लगी हूँ अभी। तुम लाइफ में बहुत पीछे जा चुकी, कभी मिरर में देखना पता चलेगा। सुनो मेरी बात, ऊपर करना ऊपर वाले का काम होता है। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान का काम नहीं होता कि पीछे किसी को बोल दिए कि तुम बहुत पीछे हो और पीछे चले गए, ऐसा नहीं होता। ऊपर आगे बढ़ाना ऊपर वाले का काम होता है और कर्म पे डिपेंड करता है। तो हमने कर्म इतना गंदा नहीं किया है कि तुम्हारे दो बात बोलने से हमको सीरियसली, मैं यहाँ पे जवाब दे रही हूँ तो जवाब दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम पास करनी है, इसके लिए मैं जवाब दे रही हूँ, वरना तुम्हारी बातों का मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और पीछे जा चुकी हो क्या? किस चीज़ के बेसिस पे बोल रहे हो कि पीछे जा चुकी हो? मैं तो जिंदगी में इतनी आगे हूँ कि मेरे तक पहुँचते पहुँचते एक नॉर्मल लड़की मेरे तक पहुँचते, और मैं जहाँ पे अभी बैठी हूँ बिजनेस खड़ा करके, मेरे जगह बैठ के सुकून से सांस लेने को और सुकून से सोने के लिए भी ना किस्मत चाहिए, तकदीर चाहिए, तकदीर चाहिए मेरे तरह। क्योंकि दो कौड़ी के लोग बोल के तो सभी निकल जाते हैं। ओके, रोमी ने कहा रिलेशनशिप पर्सनल के साथ ही चलता है, ऐसे नहीं चलता। एग्जैक्टली, एक्सेप्ट करती हूँ आपकी बातें। आपकी लाइफ क्यों गुस्सा ना पड़ना? अरे नहीं, पापा सही बात है। तो अरे मैं किसी से कोई अपना शॉर्ट आउट नहीं करने वाली हूँ। शॉर्ट आउट लिखकर मेरी उल्टा मेरी टोन खराब कर रहे हो। शॉर्ट आउट चलो कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। चूतिया लड़की कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चूतिया ही सही आपकी नज़र में हूँ, कोई बात नहीं। आप तो समझदार हो तो चूतिया तो मत लिखो एटलीस्ट। चलो, दोस्ती के लिए मोबाइल नंबर दो प्लीज़ बोलो। ओके आरके जैन, सुनो मेरे भाई, मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ जिस किस्म के तुम सोच के मेरे को बोल रहे हो कि मोबाइल नंबर दे दूँ, ठीक है? तुम जिस बेसिस पे सोच के बोल रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तुम गलत वे में हो। ओके स्काई दीदी, निहाल अहमद, इधर तो लोग बस मजे ही लेंगे आपकी लाइफ के। हाँ रोमी पता है मुझे, कोई बात नहीं। जिसको बहुत भाषण मत दो प्लीज प्लीज, मैं भाषण बहुत अच्छा देती हूँ। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप मूव कर सकते हो। यू मे लीव, बाय। ओके स्काई, डिनर मेनू क्या? अच्छा अभी नहीं डिनर, अभी थोड़ी देर के बाद करूँगी, आज लेट हो गई वैसे, और मेरा ऐसे भी मूड नहीं है, था अभी नहीं है यार। नंबर
मांग रहे, यहाँ तो नंबर मांग रहे, हेलो नंबर मांग रहे। आपको तो मैं अच्छा ही समझता, शायद आप नहीं समझ पा रहे। नहीं भाई, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ दुनिया को और बहुत दुनिया देख ली हूँ, ठीक है। तो हजारों तरीके का मैंने सारी चीज़ें देख लिए हैं, तो चिल मारो, ठीक है। नंबर अपना सेफ रखो ताकि आपका नंबर कहीं वायरल ना हो जाए, ठीक है। ओके, तेरे सबके सपने पूरे करूँगा, बन जा तू मेरी स्काई, बस मेरी, अच्छा आशिक, ओके मेरी। हेलो किट्टू मिठी, कैसे हो? एक बार दोस्ती करके देख लो भाई, दोस्ती करके देख लो। मेरे दोस्त बचपन के बहुत अच्छे हैं और मेरे बचपन के यार मेरे अभी भी हैं, और मेरे बचपन के दोस्त मेरे लिए काफ़ी है। मैं नए दोस्त बनाती हूँ लेकिन बहुत चुन के बनाती हूँ, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना मेरे पागलपन, मेरे बचपना झेल सकते हैं, मैं ऐसे दोस्त बनाती हूँ। मैं हर किसी से दोस्ती करने वाली में से दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि दोस्ती करने के लिए भी इंसान में औकात चाहिए होता है। दोस्ती निभाने जैसे औकात हर किसी में नहीं होता। इसका यार आई थी इंस्टा पे, क्या थी? ओके, अब क्या हो गई है ये सब चुतिया पे पढ़कर? मैं चुतिया पे मैं पढ़ी नहीं हूँ। जिसने खराब किया, जिसने जो किया, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है किसके वजह से क्या हुआ। तो अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है ना कि कुछ करना है, बट जैसी हूँ ठीक हूँ। स्काई, ओके, मैं आपको डीएम करूँगा, देख लियो ज़रूर। वर्स मैन, ओके चलो, क्या डीएम करूँगी भाई, देख लूँगी, ठीक है। कुछ गलत मत करना, गलत करोगे तो मैं शायद उस समय देख नहीं पाऊँगी और मैं आपके ब्रॉड ही ब्लॉक कर दूँगी। आप बहुत खूबसूरत हो, बड़ो चाहिए थी, इसलिए ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं। अरे सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जैसा है वैसे रहने दो। तुम कभी स्काई को गलत, फिर अभी को ओके, जैसा भी है चलो। एक बार मौका दे दो, आपके सपनों में आ जाओ इधर। तो अच्छा सुन आशिक, अभी तेरे को मैं एक रिप्लाई देती हूँ, सुन। मैं ना उन कुतिया में से नहीं हूँ जो कि रात गई बाद गई, हर रात बाहर घूमना, हर रात को लौंडिया बदलना, लौंडे बदलना, आई मीन लौंडे बदलना, कभी इसके साथ फिरना, कभी उसके साथ फिरना, कभी इसकी गाड़ी कभी उसकी गाड़ी। मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाप के पास है ना, बचपन से देख के बड़े हुए हैं हम। तो दोबारा ये सारे नल्ला मैसेज मुझे मत करना, क्योंकि मैं हूँ। और हर कोई शायद गर्व से बोलते होंगे कि मुझे पटाना आसान नहीं, मुझे पटाना ये नहीं, मुझे पटाना वो नहीं। मैं जैसी भी हूँ, मेरे में खूबी है बुराई है जो भी है, मगर मैं एक सिंगल पीस हूँ, सिंगल पीस हूँ, ठीक है। मेरे में कोई पार्ट नहीं है, मेरे में कुछ ऐसा बोलते हैं ना, मैं डबल माइंड लेके नहीं फिरती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी हूँ। कुछ चीज़ें छुपाना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन लोगों से है, जो लोग आपको पता ही है कि कौन लोग हैं, ठीक है। तो उनके सामने अपने घर वालों की इज्जत नहीं बाबा, वो नहीं कर सकते। बाकी आप ओके, इसका तुम डेंजर हो गई हो। अरे नहीं बाबा, मैं डेंजर नहीं हूँ। मैं दोस्तों के लिए अभी भी वही हूँ जो आप लोग मुझे जानते थे स्काई 2 साल पहले, जब मैं आई थी 2 ढाई साल पहले, जैसी मैं थी। मेरे दोस्तों के लिए आज भी मैं वही हूँ, मगर आपके देखने के नज़रिया अगर बदल गया है तो आपके नज़र के हिसाब से मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि आपके नज़रिया बदल गया है। मेरे को मुझे जिस नज़र से आप पहले देखते थे, शायद उस नज़र से अब नहीं देखते हो, इसीलिए आपके नज़र के हिसाब से मैं बदल गई हूँ। बट मैं जैसी थी वैसी हूँ। मेरे में चेंजेस अगर बोलोगे तो
पता नहीं यार, कभी कभी फ्रस्ट्रेट तो आप ही होते होंगे ना। फ्रस्ट्रेट होके हम शायद बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, लोगों को बुरा भला भी कहते हैं, बाद में रिग्रेट भी होता है पता है, कि अरे क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। किसी को हर्ट करना बुरी बात है, हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। लगता है बुरा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला भी तो हमको बोला था, बचपना वाला दिमाग आता है। तो फिर उसके बाद फिर कोई नहीं, खुद से माफी मांग लेते, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम में टॉप 10 कौन है आपके लिए? मुझे नहीं पता बाबा, टॉप 10 कौन है वोन है, मैं किसी के लाइव नहीं देखती हूँ। सारे गुण है आप में, वो तो है, खानदानी है हम। ओके, रिस्पेक्ट करोगे जानते हैं कि बहुत आगे जाओगे, दिस इज रियलिटी। हाँ जी, चांद वाला मुखड़ा दिखा दो अब। अच्छा स्काई, आपका सजेशन कुछ सीखने मिलता है, थैंक यू सो मच। तो कुछ नहीं है ओके, तू कोई बात नहीं आशिक, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस ऐवे ही हूँ, लाइफ पे बैठी हूँ, एक सिंपल साधारण सी लड़की जो आपके साथ बकवास कर रही है, आपके बकवास सुन रही है, मैं बस वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट हकीकत में मैं बहुत कुछ हूँ। फिल्टर हटा के दिखा, अच्छा फिल्टर लगाने के लिए दिया हुआ है तो कैसे हटाए, फिल्टर हटा के क्या ही मिलने वाला है, फिल्टर हटा के दिखाए। सिली क्वेश्चन, माय गॉड। स्काई जी दुबई आ जाओ, ओके एक कुमार बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। आपका क्रश कौन है? मेरा क्रश, सच बोलूं मैं किसी को क्रश नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं भाईजान को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट मैं क्रश किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्यार तो हुआ है, लेकिन क्रश रश ऐसा 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 कभी हुआ नहीं है। कितनी सारी बातें करती हो ना। अच्छा मेरा क्रश स्काई है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ दीक्षित। स्काई मेरा नाम लो ना प्लीज एक बार। ओके भावेश कैसे हो? सुहेल खान मना है, अब तू देख तुझे पटा लो। देखा और एक मच्छर आ गया, क्या लिखा है, तू देख तुझे पटा लूँगा पक्का सच में। मुझे पटा लेंगे। ओह माय गॉड, ओके बेस्ट ऑफ लक। स्काई सिस्टर आपका फर्स्ट प्यार कौन था? पता नहीं कौन था यार। नहीं, कोई चीज़ अगर भूल गए हैं तो गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ो मत, है ना। इसका क्या करो, माय गॉड। अच्छा कटर इसका, एक्चुअली यू डिजर्व बेटर देन इट, थैंक यू सो मच। स्काई सिस्टर आपका फर्स्ट प्यार कौन था? अच्छा बाबा, मेरा फर्स्ट प्यार कौन था वोन था, ऐसा नहीं, मेरे को हज़ार बार प्यार नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम मत बोलो ऐसा। मैंने इतना भी किसी से कुछ ये टाका नहीं फिराया है, जितनी मैं दिखती हूँ उतनी मैं ये नहीं हूँ, मैं सिंपल सोवर हूँ, बचपन से बहुत सीधी 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 थी, अभी शायद इंस्टाग्राम में आने के बाद टेढ़ी हो गई हूँ, आप लोग बना दिए हो मुझे, नहीं सकते और पटा लेंगे स्काई को। मेरा ओके फुल नेम आपका, ओके अभी तो बोल रहे थे प्यार में हुआ, अभी बोल रहे हैं हुआ था। संदीप महेश्वरी आपके पास आएगा जब दिन मोटिवेट लेना। अच्छा वेरी गुड,
वेरी गुड। ओके, मेरा नाम की माला ही तुझे स्काई पहना दी गई। इसको मुझे समझ नहीं आया, बट कोई नहीं, बताओ उस बेवकूफ को। अच्छा, गाली मत दो, गाली नहीं देने का, जिसका भी नाम टैग करके गाली दे रहे हो, गाली नहीं देने का। आप मुझसे बात कर रहे हो तो ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो मुझे बोल लो। हर जगह मुंह मारता है तो कोई बात नहीं, मारने दो ना, मारने दो, उसकी अपनी मुंह है, उसको अगर नहीं शर्म आता तो उसको अपना मारने दो, आपको क्या दिक्कत है उसमें, छोड़ो, जाने दो, उसकी अपनी मुंह है, उसको जिस दिन समझ आएगा सुधर जाएगा, है ना, छोड़ो, जाने दो, मत उसको टैग करके गाली नहीं देने का। तेरी माँ की, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ भाई मेरी माँ के पास है, तभी तो मैंने जन्म लिया है, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप कैसे हो स्काई? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ वदेड़ा। अभी तो मैं स्काई को गलत बोल रहा था, अभी माँ, ओके, अब आपका मोजन वीडियो यूट्यूब पर है सेक्स। देखो सुनो सोहेल, तुमने उस वीडियो में क्या देखा? सुनो मेरी बात, हमने उस वीडियो में किस किया? किस सब करते हैं। और क्या देखा आपने? पैर देखा। और क्या देखा आपने? फिट है ना, ये देखा। और क्या देखा आपने? कुछ देखा? जब कुछ देखा नहीं आपने तो आपको गलत नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर। आप जो लिखे हैं, वो जो वर्ड लिखे हैं SEX, आपको पता है वो वर्ड कितनी बड़ी होती है? आपने जब पूरी वीडियो वहाँ देखा नहीं तो पूरी वीडियो देख के आओ और 50 ठो गाली दे लेना अगर उसमें कुछ गलत हो तो। जाओ आप, आपको जिस तरह से पेश किया गया है आपने उसी तरह से उसे देखा और अपने हिसाब से सोच लिया कि स्काई ने ये किया वो किया, ठीक है? आप पूरी तरह से जाओ और जाके वापस से देख कर आ जाओ। जाओ, ये सब ड्रामा करते हैं दोनों फेम के फॉलोअर्स के लिए। हाँ भाई, सीरियसली ऊपर वाला करे ड्रामा ही हो सारी चीज़ें। ओके चलो कोई नहीं, आपकी लाइफ में मस्त रहो, छोटी सी लाइफ है, सो चिल करो। हाँ जी बिल्कुल। अशोक, ओके, अभी तो मैं स्काई को गलत बोल रहे थे। ओके एक सेकेंड ना, जो पैसों का दीवाना है उसने किसी को टैग करके लिखा है, दोनों की, दोनों अभी मुझे समझ में आया, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, दोनों की फेक आईडी है एक दूसरे का। अभी तुम्हें जवाब देती हूँ मैं, ये सब ड्रामा करते हैं दोनों फेम एंड फॉलोअर्स। भाई इतने गिरे हुए लोग नहीं है रे, जितने तेरे सोच है ना वो बहुत नीच सोच है, उतने गिरे हुए भी नहीं है तुम लोग, जितने मतलब हम लोग जितने नज़र में नहीं गिरे हैं ना, तुम उससे ज़्यादा हमको गिरा दिए, ठीक है? तो ये सारे अपने सोच अपने तक रखो, बहुत नीच सोच है तुम्हारी भाई, बहुत ज़्यादा नीच है। कितने की पूछ और मौजन एक जैसा है, कभी सीधी नहीं। अच्छा नहीं हो तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे क्या है, उसकी अपनी लाइफ है, अपना उसको जीने दो। तुमको क्या दिलमान, तुमको क्या दिक्कत है, दिल मांगे मोर, तुमको क्या दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमको चार गाली मुझे देकर जाना है तो एक काम करो, 5 दे लो मेरे तरफ से और एक मुझे दे कर जाओ, लेकिन उससे कुछ मत बोलो, शांत रहो, ठीक है? एक सेकेंड दी, आप दोनों दूर ऐसे अच्छे लगते हो, आई लव यू बोथ। ओके कुत्ते, अच्छा सुनो, मुझे पता है आप मुझे उनको करते हो। हाँ छोड़ो, ओके एक सेकेंड ना,
आपके वो लाइव देखा था जिसमें आप फर्स्ट टाइम पास्ता। हाँ, मेरा फर्स्ट लाइव था और लाइफ में सबसे बड़ा ख़राब दिन था मेरे लिए, मैं वो तो बोलूँगी। मेरे लिए सबसे घटिया दिन था वो, और शायद मैं ये सारी चीज़ में आई ही नहीं होती उस दिन। वो किसी के बात सुन के मैं किसी से जुड़ी ही नहीं होती तो शायद आप लोग नहीं मिलते यार। ये जो गालियाँ कुछ कुछ लोग लिख के जाते हो, मैं आपकी गालियाँ भी नहीं सुन पाती, अच्छी बातें भी नहीं सुन पाती। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनके प्यार भी नहीं लूट पाती, राइट? तो बात मिला जुला कर ऐसी है कि ऊपर वाला कभी कभी कुछ गलत देते हैं लेकिन गलत के साथ साथ सही भी देते हैं यार, तो कोई बात नहीं, चलता है। मैं आप लोगों को जानती भी नहीं थी, बहुत सारी सीख मिली। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी और अभी भी हूँ, लेकिन पहले से बहुत कम हूँ अभी ना। क्षमता मतलब मेरे में जो सहन शक्ति थे ना, वो पहले मैं हर छोटी बात में भड़क जाती थी, ये चाहिए तो चाहिए। अभी ऐसा होता है, मम्मी चाहिए, दे रहे हो क्या? कोई नहीं, नहीं दे रहे हो तो ओके चिल मारो। तो अभी ऐसा है, इंस्टाग्राम में आने के बाद सलमान खान ले रहा था, उन्होंने का नाम ले रहा था कौन सा, अरे हाँ सलमान मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है बाबा। सलमान मेरे भाई जैसा है, ऐसे मत बोलो, गंदा मत ये करो।